हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए व्लॉग में। तो जी, ये मॉर्निंग का टाइम है और 5 o'clock हो रहे हैं इस टाइम। तो आज के वीडियो में मैं आपसे अपना स्ट्रेस फ्री रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि क्या ट्रिक हम अजमाएं कि हमारा स्ट्रेस फ्री डेली का रूटीन हो। तो फ्रेंड्स, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, क्योंकि अगर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ना, जो भी हमारी हॉबी है, जो भी हमें काम करना पसंद है, जैसे कि किसी को मूवी देखना पसंद होता है या फिर किसी को बुक्स रीड करना पसंद होता है, अगर हम अपनी हॉबी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो देखना कितना स्ट्रेस हमारा कम होगा। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब हम मॉर्निंग में टाइम से उठेंगे, और मॉर्निंग में जब हम टाइम से उठेंगे तभी हमारे घर के काम जल्दी फिनिश हो पाएंगे। अगर घर के काम जल्दी फिनिश होंगे ना, तभी हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाएंगे अपनी हॉबी के लिए। और जो भी हमें काम करना पसंद है, मूवी देखना या बुक्स रीड करना, अगर हम अपनी जो भी काम करके हमें खुशी मिलती है, अगर हम वो काम करेंगे ना, तो हमारा जो स्ट्रेस है वो अपने आप ही दूर हो जाता है। तो इसीलिए जो हमें अपनी हॉबी के लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, और इसके लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक जो घर की लेडी होती है ना, उसका स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती हैं। पूरा घर डिपेंड होता है एक घर की लेडी के ऊपर, क्योंकि जब घर की लेडी ही खुश रहेगी ना, तो बच्चे, हस्बैंड जो है खुश अपने आप ही रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा घर का काम टाइम से फिनिश नहीं हो पाता है, तो हमें जो है बहुत ज़्यादा काम घर का फैला हुआ होता है, अलग ही बर्डन आ जाता है हमारे ऊपर, बहुत ही चिड़चिड़ापन आ जाता है कि ये काम करना है, अभी ये काम करना है। तो क्या होता है कि सारा जो स्ट्रेस होता है, सारा जो टेंशन होती है ना, सारा जो चिड़चिड़ापन होता है, वो या तो हस्बैंड पे निकलता है या फिर बच्चों पे निकलता है। तो इससे क्या होता है, पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो गाइज़, आगे और भी टिप आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ, पूरा ज़रूर देखिएगा वीडियो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है मॉर्निंग का वीडियो शूट किया है। ये 6 o'clock का टाइम है, तो जब मैं उठी थी ना 5 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा फॉग था, तो इससे जो है थोड़ा सा फॉग कम हुआ था इस बार। तो ठंड तो इतना जाने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि बस काफ़ी दिन हो गए हैं, 1.5 महीना करीब हो गया, अच्छे से धूप ही नहीं निकल पा रही है। तो यहाँ पर मैंने उठते ही, सबसे मॉर्निंग में उठते ही आलू मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे, तो आलू के आज पालक के पराँठे बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने कच्चा जो पालक होता है मैंने वॉश करके मिक्सी में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया था, और उसी का मैंने आटा लगाया है। और ये मैंने जो है पालक का पेस्ट ना, मैंने रात को ही बना के फ्रिज में रख दिया था, फिर मॉर्निंग में पालक के पेस्ट का मैंने आटा लगाया है। जब भी मुझे ऐसे है ज़्यादा मेहनत वाला जो ब्रेकफास्ट बनाना होता है ना, जिसमें टाइम लगता है, तो थोड़ी सी तैयारी मैं रात में ही करके रख देती हूँ। इससे ना मॉर्निंग में थोड़ा सा काम मेरा थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है मॉर्निंग में, इसीलिए थोड़ा सा हम रात को भी तैयारी करके रख लेंगे ना, तो हमारा मॉर्निंग का बहुत काम आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नेक्स्ट टिप। और जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप किसी से बात कर लीजिए, जैसे आपको जिससे बात करने में खुशी मिलती है, अच्छा लगता है फ़ोन पे बात करने में, जिससे भी, या तो आपकी कोई फ्रेंड हो या फिर कोई रिलेटिव हो, आप ज़रूर नोटिस करिएगा, जिससे भी आपको बात करना अच्छा लगता है, अगर आप उससे फ़ोन पर बात करेंगे ना, तो आप देखना आपका एकदम स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप ऐसा ज़रूर करके देखिएगा। तो ये मेरी खुद की अजमाई हुई जो है एक्सपीरियंस है, खुद का अजमाया हुआ। तो यहाँ पे मेरा रूम भी क्लीन हो गया था और हल्की फुल्की धूप भी निकल आई थी, तो जो थोड़े बहुत ब्लैंकेट थे ना, 2-3 ब्लैंकेट, वो मैं छत पे डालाई थी। तो बीच बीच में ना ब्लैंकेट को धूप भी लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सर्दियों के मौसम में, क्योंकि जो थोड़ा बहुत स्मेल होती है, जो मॉइस्चर होता है ना, वो भी निकल जाता है। वो अलग बात है कि अच्छे से अब धूप नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है हल्की धूप में भी, अगर ब्लैंकेट को धूप लगा लेंगे
तो यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा इजी के कपड़े हैं ना थोड़े भिगो के रख दिए थे मैंने, क्योंकि जो मशीन में वॉश करती हूँ ना इन कपड़ों को तो वो फैल जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ बहुत ही अमेजिंग टिप स्ट्रेस दूर करने के लिए, कि जब भी आपको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो आप घर का काम करते हुए ना आप म्यूज़िक चला दीजिए, और जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग हैं, जो भी आपको सॉन्ग सुनने पसंद हैं, वो सॉन्ग सुनते हुए आप घर का काम कीजिए, तो आप खुद देखेंगे कि आपका स्ट्रेस काफ़ी कम होगा। क्योंकि ये मेरी खुद की अजमाई हुई एक्सपीरियंस है कि मैं खुद ऐसा करती हूँ, जब भी टेंशन में होती हूँ, स्ट्रेस में होती हूँ ना, तो म्यूज़िक सुनते हुए, सॉन्ग सुनते हुए घर का काम करती हूँ, तो एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ना बहुत ही अमेजिंग टिप्स हैं, आप ज़रूर आजमा के देखिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये टिप्स जो है काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो गाइस, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर मैंने पौधे ना काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। वैसे 15 दिन में एक बार मैं पानी डालती हूँ इन पौधों में सर्दियों के मौसम में, क्योंकि गर्मी में तो खैर डेली डालना पड़ता है। तो यहाँ पर घर का काम ख़त्म करके मैं चलती हूँ सरोजनी नगर मार्केट शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अब सर्दियों के मौसम में ना इस टाइम सरोजनी नगर मार्केट में बहुत ही अच्छी अच्छी सेल चल रही हैं विंटर क्लॉथ में। तो आप ज़रूर आइएगा सरोजनी नगर मार्केट में, और काफ़ी सारी शॉपिंग की थी मैंने। तो फ्रेंड्स, यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। टेक केयर।